सबसे पहले आपको गूगल क्रोम को ओपन करना है। ओपन करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर टाइप करना है ADB एंड फास्टबूट डाउनलोड। जैसे ही टाइप करोगे तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो आपको forum.xda/developers.com को ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का टाइटल शो करेगा। अब थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाना है आपको, और यहाँ पर आपको लेटेस्ट वर्ज़न 1.4.3 वाला वर्ज़न जो है वो डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड हो जाने के बाद में आपको इसे क्लोज करके उस फोल्डर में चले जाना है जहाँ पर आपने ये फाइल सेव की है। अब रिफ्रेश करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर जैसे कि मैंने डेस्कटॉप में सेव की थी तो यहाँ पर शो हो रही है। तो इसे यहाँ एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट टू ADB सेटअप वाले ऑप्शन पर टैप करके, और फिर से रिफ्रेश करने के बाद में यहाँ पर जो एक्सट्रैक्ट की हुई फाइल है वो शो करेगी, तो उसे आपको ओपन कर लेना है। अब इसे रन करना है। आप जैसे ही रन करोगे तो आपके सामने कुछ पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी ऐसी। तो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा डू यू वांट टू इंस्टॉल ADB एंड फास्टबूट। आपको वाई टाइप करके एंटर प्रेस कर देना है, और शायद अगर आपके सामने कुछ इस तरह का एरर दिखाई दे तो डोंट वरी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये विंडो क्लोज करके पहले तो आपको बाहर आ जाना है डेस्कटॉप मोड में। अब डेस्कटॉप बार में आपको यूज़र प्रोफाइल टाइप करना है ऐसे। जैसे ही टाइप करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। ओपन हो जाने के बाद में यहाँ पर एक दूसरा फोल्डर क्रिएट कर लेना है, और इसका नाम दे देना है डेस्कटॉप मोड, ओनली डेस्कटॉप, ठीक है। अब दोस्तों आपको वो वाला फोल्डर ओपन करना है जहाँ पर आपने पहले से ही ADB एंड फास्टबूट वाली एप्लीकेशन सेव करके रखी हुई है। और वहाँ पर जैसे ADB एंड सेटअप वाली जो एप्लीकेशन है उसको राइट क्लिक करके रन करनी है। आप जैसे ही रन करोगे तो आपके सामने दोबारा से एक ऐसी पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। अब वापस से आपको वाई टाइप करके एंटर प्रेस करना है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर 4 से 5 सेकंड का टाइम लेगा, उसके बाद में यहाँ पर 4 files copied लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको वापस से वाई टाइप करके एंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद में नेक्स्ट वाले बटन पर टैप करने के बाद में फिनिश वाले बटन को टैप कर देना है। फाइनली डन, आपकी ADB एंड फास्टबूट फाइल आपके लैपटॉप या तो PC में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है दोस्तों।